हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एडुकेशन जीके में मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जब हम लोग कहीं घर से बाहर निकलते हैं यात्रा के दौरान, तो हम किसी प्राइवेट बस या सरकारी बस या किसी अन्य मोटरयान का प्रयोग करते हैं जाने के लिए, यहाँ वहाँ आने जाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंडक्टर हमारे साथ बदतमीजी करता है, या टिकट नहीं देता है, या टिकट से ज़्यादा पैसे वसूल करता है, या वह गाड़ी चलाने से मना कर दे कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो क्या कर लोगे? तो ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए? तो ये बात जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 178 के बारे में। दोस्तों, 178 में पहली बात ये कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बस में या किसी सरकारी यान में सफ़र करता है और वह टिकट लेने से इनकार कर देता है, या टिकट नहीं लेता है, या टिकट नहीं दिखाता है, बिना टिकट का यात्रा करता है या बिना पास का यात्रा करता है, तो उसके खिलाफ़ यह धारा लागू होगी और उसे 500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरी बात, अगर कोई कंडक्टर आपको टिकट देने से इनकार करता है, या पैसे लेकर टिकट नहीं बनाता है, या आपके साथ बस सलूक की बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ भी इस धारा के अंतर्गत उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है। तीसरी बात दोस्तों, अगर कोई बस ड्राइवर गाड़ी चलाने से इनकार कर देता है, यानी जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे होते हैं यात्रियों से भरी होती है, और उस दौरान वह कह दे कि हम गाड़ी आगे नहीं चलाएंगे, तो ऐसे में जो यात्री जो आप और हम होते हैं, कानून की जानकारी के अभाव के कारण हम उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, उसे डरते हैं और उसकी इच्छाओं को मानते हैं। ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उस ड्राइवर के खिलाफ़ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए कंडक्टर या बस ड्राइवर दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी है तो उसके खिलाफ़ विभागीय जांच शुरू कराई जाएगी। अगर कोई प्राइवेट बस है, प्राइवेट यान है, तो उसका जो लाइसेंस होता है उसे निरस्त कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह है MB एक्ट की धारा 178 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना MB एक्ट की धारा 178। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।